हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए विषय के साथ आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है समास, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में यह हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके विषय में जानकारी रखना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, वे शब्द हैं सम और आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, तो दोनों मिलाकर के इसका अर्थ हुआ पास रखना, अर्थात पास पास रखना। इसमें शब्दों को पास पास रखा जाता है और सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द, अब यहां जो नया शब्द बनेगा वह सार्थक शब्द होना चाहिए। इसलिए हम चाहें तो परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ मैंने बताया कि इसके अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, सम और आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, अर्थात पास रखना। इसमें दो शब्दों को पास पास रखा जाता है। समास की प्रक्रिया में केवल शब्दों को पास में नहीं रखा जाता, बल्कि उन शब्दों को मिलाकर के एक नवीन शब्द बनाया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास रखना और रख करके एक नया शब्द बनाना, अर्थात उन दोनों या दो से अधिक शब्दों को मिलाना और मिलाकर के एक नवीन शब्द बनाना, इस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। अब हम जानेंगे कि समास के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से इसके प्रकारों की उत्पत्ति हुई। समास की प्रक्रिया में जब हम दो शब्द मिलाते हैं तो इन शब्दों में कुछ न कुछ गुण होते हैं। कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, कभी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लगता है, कभी एक दूसरे की उपमा देने लगता है, कभी ऐसा होता है कि पहला पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है, कभी ऐसा होता है कि दोनों पद मिलकर के किसी एक नवीन या विशेष पद की उत्पत्ति करने लगते हैं, कभी ऐसा होता है कि पहला पद अव्यय के रूप में प्रयोग होता है और उसके मिलने से दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, अर्थात समस्त पद जो नवीन बनते हैं वो भी अव्यय बन जाते हैं। इस तरह से समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं उनमें अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं और इसी कारण समास के प्रकार बनाए गए। लेकिन समास के प्रकार बताने से पूर्व मैं बताऊंगा कि समस्त पद या सामासिक शब्द क्या है और सामासिक शब्द में मिलने वाले पहले और दूसरे पद क्या कहलाते हैं और समास विग्रह क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि समस्त पद क्या है। समस्त पद जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, समस्त का मतलब है पूरा, पद का मतलब है
वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है। तो समस्त पद का अर्थ हो गया सामासिक प्रक्रिया के बाद बाद बनने वाला नया शब्द। इसे समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हमने लिखा गंगा का जल, इसमें दो पद आए गंगा और जल, दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बना गंगा जल। एक और उदाहरण ले सकते हैं, हाथ के लिए कड़ी, सामासिक शब्द या समस्त पद बना हथकड़ी। और यह एक शब्द हो गया। इस तरह से हम ये जानेंगे कि सामासिक शब्द में दो या दो से अधिक पद मिलकर के जो नया शब्द बनाते हैं, उस नवीन शब्द को हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। इस समस्त पद में आया हुआ पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो इस पहले आए हुए पद को हम कहेंगे पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है पहले वाला पद, और दूसरे पद को हम कहेंगे उत्तर पद। बाद वाला पद उत्तर पद और पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है, और पूरे पद को समस्त पद कहते हैं। यहां मैं पहला शब्द और दूसरा शब्द नहीं कह रहा हूं, क्योंकि व्याकरणिक भाषा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए या किसी शब्दकोश का हिस्सा होता है तब तक वह शब्द कहलाता है, और जब वह शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर के एक नवीन शब्द की उत्पत्ति करता है तो वह शब्द शब्द ना होकर के पद कहलाता है। यहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जब शब्द और पद की व्याख्या करूंगा तब उस समय बताऊंगा कि पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, और शब्द और पद में क्या अंतर होता है। यहां संक्षिप्त रूप से इतना जाने कि पूर्व पद और उत्तर पद यहां मैंने लिखा है, पूर्व शब्द या उत्तर शब्द मैंने नहीं लिखा, क्योंकि व्याकरणिक भाषा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिल रहा है और उससे एक नए शब्द की उत्पत्ति हो रही है, या दूसरा शब्द किसी वाक्य में लग करके वाक्य के अर्थ की पूर्ति में सहायक हो रहा है, उसके बिना वाक्य के अर्थ में अधूरापन महसूस हो रहा है, तो जो शब्द वाक्य में लग करके वाक्य के अर्थ की पूर्ति में सहायता करता है उस शब्द को हम शब्द ना कह करके पद कहते हैं। तो यहां पर यह गंगा जल समस्त पद है, हथकड़ी समस्त पद है या सामासिक शब्द है। इसमें लगा हुआ ये दोनों शब्द जो लगे हुए हैं जिनके सहयोग से यह समस्त पद बना है, इसमें पहले आने वाला शब्द पूर्व पद कहलाएगा और बाद में जुड़ा हुआ शब्द उत्तर पद कहलाएगा। तो गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, हथकड़ी में हथ पूर्व पद है और कड़ी उत्तर पद है। जब इस समस्त पद का विग्रह किया जाता है या इस समस्त पद में आए हुए
पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह। तो यहां गंगा का जल और हाथ के लिए कड़ी, इसे हम कहेंगे समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। हमने समस्त पद में आए हुए पदों को अलग अलग करके लिखा, उसका विग्रह किया, तो यही कहलाता है समास विग्रह। अब हम जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक हम जानेंगे इसके अंतर्गत समास के प्रकार। समास के प्रकार में जो पहला प्रकार है वह है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय। तीसरा है द्विगु। चौथा है द्वंद्व। पांचवा है बहुव्रीहि। और छठवां है अव्ययी भाव। यहां हम देखेंगे कि समास के कुल मिलाकर के छह प्रकार हैं। कुछ पुस्तकों में कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ला दिया जाता है। कहीं कहीं एक और समास देखने को मिलता है न्य समास, तो वो न्य समास तत्पुरुष समास का ही एक हिस्सा होता है। जब मैं तत्पुरुष समास के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा तो इसकी उसकी भी व्याख्या करूंगा। तो यहां हम देखेंगे कि समास मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। यहां इस वीडियो में मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगा कि ये छह प्रकार के समास क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है या एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है। उपमेय अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिस चीज से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद में आए हुए पदों में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इस तरह से द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह किसी न किसी संख्या को बताता है, जैसे चारपाई, नवरत्न, नवरात्रि, त्रिशूल इत्यादि। द्वंद्व समास, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, लेकिन यहां किसी झगड़े की बात नहीं की जा रही है, बल्कि समस्त पद में आए हुए पदों में जब दोनों पद प्रधान हों, कोई पद किसी पद से नीचा या अपने को छोटा न समझे बल्कि दोनों पद एक दूसरे के बराबर हों, दोनों पद समान रूप से अपना महत्व रखें, तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास में आए हुए शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, योजक सॉरी
योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह योजक चिन्ह द्वंद समास के सामासिक पदों में या सामासिक शब्दों में बीच में प्रयोग किया जाता है। जब हम द्वंद समास के उदाहरण लिखते हैं, जब इसके शब्दों को लिखा जाता है, तो समस्त पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह करते समय इन योजक चिन्हों को हटा करके और शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जब दोनों पद मिलकर के एक किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ शब्द है एक, जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और कर्मधारय का भी उदाहरण है। अगर उसका विग्रह करते समय ऐसा लिखा जाता है कि नीला है जो कंठ, तब तो वह कर्मधारय समास होगा। और अगर उसी उदाहरण को उसका विग्रह करते समय इस प्रकार लिखा जाता है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहां नीला कंठ ये दोनों पद मिलकर के नीलकंठ जो शब्द बन रहा है वह एक किसी तीसरे पद का बोध करा रहा है, वो है भगवान शिव। तो बहुव्रीहि समास वह समास होता है जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास, जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है कि जो समास या जिस समास का समस्त पद अव्यय का भाव दर्शाए या अव्यय का बोध कराए, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होते हैं, जिनके मिलने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि समास किन शब्दों से मिलकर के बना है, समास की परिभाषा क्या है, समास में समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद का दूसरा नाम सामासिक शब्द होता है, सामासिक शब्द या समस्त पद में आए हुए दोनों पदों को पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समास विग्रह में क्या होता है, और इसके बाद आपने सीखा कि समास के ये छह प्रकार कौन कौन से हैं। मैं समझता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग की बटन जरूर दबाएं, और इसे अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों, पहचान वालों तक शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बताया जाने वाला ये विषय अन्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर से समास के अगले वीडियो के लिए, उसके प्रकारों के विषय में जानने के लिए आप देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।